नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूजा वर्मा। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। अग्निवीर योजना पर गोरखपुर जोन के अलग अलग स्थानों पर हो रहे प्रदर्शन पर एडीजी जोन अखिल कुमार ने कहा, मंडल के कुछ स्थानों पर युवाओं ने किया है प्रदर्शन, उनसे बात करके प्रदर्शन को करवाया गया है। शांत युवाओं से की गई है अपील कि शांति पूर्वक करें प्रदर्शन, नहीं तो आपके खिलाफ की जाएगी कड़ी कार्यवाही। शुक्रवार को चाक शोभन सुरक्षा के बीच जनपद में सकुशल अदा की गई जुमे की नमाज। पुलिस और प्रशासनिक अमले ने ली राहत की सांस। एडीजी जोन अखिल कुमार ने सभी लोगों से मिलजुल कर रहने की अपील। गोरक्ष नगरी में एक साथ 393 बेटियों की भरी गई मांग, 11 का हुआ निकाह। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत महंत दिग्विजयनाथ स्मृति पार्क में जनप्रतिनिधियों एवं प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में हुआ भव्य आयोजन। 404 बेटियों ने वैवाहिक जीवन में किया प्रवेश। सभी जनप्रतिनिधियों एवं प्रशासनिक अधिकारियों ने जोड़ों के उज्ज्वल भविष्य की कामना। अग्निवीर योजना पर हो रहे प्रदर्शन की वजह से 34 ट्रेनों को किया गया है निरस्त। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पूर्वोत्तर रेलवे के CPRO पंकज कुमार सिंह ने कहा, 19 ट्रेनों को चलाया जा रहा है नियंत्रित तरीके से, की अपील। छात्र रेलवे की संपत्ति को ना पहुंचाए नुकसान, यह आपकी है संपत्ति, ट्रेनों का सुचारू रूप से होने दे संचालन। मरम्मत के लिए आई कार को धोखाधड़ी करके दूसरे व्यक्ति को बेचने वाले एक जालसाज को कैंट पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। जिले के सभी बैंक कर्मचारियों के साथ CDO इंद्रजीत सिंह ने विकास भवन के सभागार में की बैठक। बैंकर्स को लोन की पत्रावलियों को जल्द से जल्द निस्तारण करने के दिए निर्देश। जनपद में जुमे की नमाज पर रहा सुरक्षा व्यवस्था का कड़ा इंतजाम। संवेदनशील स्थानों पर पुलिस और PSC की लगाई गई थी ड्यूटी। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी रहे मुस्तैद। शाहपुर पुलिस ने एक शातिर मोटरसाइकिल चोर को किया गिरफ्तार, दो चोरी का मोटरसाइकिल किया बरामद, भेजा जेल। और जनपद में एक ही दिन मिले 6 नए कोरोना संक्रमित मरीज। CMO ने जनपद वासियों से की अपील, कहा मास्क, सैनिटाइजर, 2 गज की दूरी, सोशल डिस्टेंसिंग का करते रहे पालन, ताकि जनपद हो सके कोरोना मुक्त। अब खबरें विस्तार से। गोरखपुर जोन के अलग अलग स्थानों पर अग्निवीर योजना के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन पर एडीजी जोन ने कहा कि गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, महाराजगंज में कुछ स्थानों पर युवाओं ने प्रदर्शन किया है, जिसको देखते हुए युवाओं से संवाद बनाया गया है। उनको योजना के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दी जा रही है। उनको समझाया जा रहा है कि उग्र होकर प्रदर्शन करने से कोई फायदा नहीं है, आपके खिलाफ मुकदमा होगा, जिससे आप लोगों को कोई नौकरी नहीं मिलेगी, इसलिए शांतिपूर्वक प्रदर्शन करें, आपकी बातों को शासन तक पहुँचा दी जाएगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीजी जोन अखिल कुमार ने कहा, अभी नहीं ट्रेन आई। अपना प्रदर्शन करना, प्रदर्शन करो। Thank you.
देखिए जहाँ जहाँ यूथ आए हैं गोरखपुर कुशीनगर देवरिया महाराजगंज में कुछ स्थानों पर यूथ आया है प्रोटेस्ट किया है उनसे भी हम संवाद बनाए हुए हैं उसको उस योजना के बारे में जानकारी दी जा रही है जो भी है हम उनको समझा रहे हैं वायलेंट प्रोटेस्ट से कोई फ़ायदा नहीं है उसमें फिर कार्रवाइयाँ होंगी मुकदमे होंगे तो उनका ही नुकसान है जो नौकरियाँ मिल रही हैं वो भी नहीं मिलेंगी तो मैं सबसे अनुरोध करूँगा अपने नौजवानों से कि जो प्रोसेस है अपना पीसफुल प्रोटेस्ट करें अपने ज्ञापन दें और उनकी बात समुचित जगह पर पहुँचा दी जाएगी। शुक्रवार को जुमे की नमाज नानवाल स्थित मुबारक खान शहीद दरगाह और घंटाघर स्थित जामा मस्जिद पर सकुशल नमाज अदा की गई। आपको बता दें कि जिला पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड में रहा तथा चाक चौबंद सुरक्षा के बीच पुलिस प्रशासन ने नमाज को संपन्न कराया। आपको बता दें कि सकुशल नमाज संपन्न कराने के बाद राहत की सांस ली जिसके संबंध में ADG अखिल कुमार ने बताया कि सभी जगह पर पुलिस अलर्ट मोड ड्यूटी पर खड़ी है। पहले से मुस्लिम समुदाय से वार्ता हुई थी तथा सभी जगहों पर सकुशल नमाज अदा की गई तथा सभी लोगों को मिलजुल कर रहना चाहिए। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए ADG जोन अखिल कुमार ने कहा यार आप लोग को रास्ता देने के लिए क्या मसला जानते हो सजनवा का सभी जगह पुलिस अलर्ट है ड्यूटी पर खड़ी है और संवाद बनाकर पहले से ही रखा गया है कहीं भी कोई समस्या नहीं आई है अभी तक सभी जगह जनमाज सकुशल अदा हुई है। मुझे पूर्ण उम्मीद है कि आधे पौन घंटे में पूरे जनपद में पूरे जोन में नमाज सकुशल अदा कर ली जाएगी। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत शुक्रवार को ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ स्मृति पार्क में आयोजित भव्य समारोह में 404 बेटियों ने एक साथ गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया। 393 बेटियों का कन्यादान अग्नि के समक्ष सप्तपदी एवं सिंदूरदान आयोजित किया गया जबकि 11 बेटियों का मौलाना ने मुस्लिम समाज की परंपराओं के मुताबिक निकाह कराया। CM योगी के निर्देशानुसार इस सामूहिक वैवाहिक समारोह में आशीर्वाद देने के लिए जनप्रतिनिधि एवं प्रशासनिक अधिकारी मेजबान की भूमिका में रहे।
वर वधु के साथ दोनों पक्ष से आमंत्रित लोगों का सहभोज भी आयोजित हुआ। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच महाराजगंज से आए 6 पुरोहितों ने सामूहिक रूप से सनातन धर्म के मुताबिक वैवाहिक अनुष्ठान को पूर्ण कराया। इस मांगलिक आयोजन में सामान्य वर्ग की 4 बेटियां, पिछड़ी जाति की 113, अनुसूचित जाति की 276 और अल्पसंख्यक मुस्लिम वर्ग की 11 बेटियों का विवाह संपन्न हुआ। कुछ परिवार यहां वैवाहिक गीत गाते हुए कार्यक्रम स्थल पर आए तो कुछ कार्यक्रम स्थल से ही अपनी बहू को विदा कर गाँव ले गए। 9 युगलों को आशीर्वाद देने के लिए महापौर सीताराम जायसवाल, विधायक विपिन सिंह, विमलेश पासवान, महेंद्र पाल सिंह, नगर निगम के उप सभापति ऋषि मोहन वर्मा, ब्लॉक प्रमुख शिव प्रसाद जायसवाल, सांसद प्रतिनिधि समरेंद्र विक्रम सिंह, डीएम कृष्णा करुणेश, एसएसपी विपिन ताडा, सीडीओ इंद्रजीत सिंह, जिला समाज कल्याण अधिकारी वशिष्ठ नारायण सिंह, जिला अल्पसंख्यक अधिकारी आशुतोष पांडे, जिला कार्यक्रम अधिकारी हेमंत सिंह, जिला प्रोविजन अधिकारी सर्वजीत सिंह, जिला पंचायती राज अधिकारी हिमांशु शेखर ठाकुर, जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी संदीप मौर्य, जिला समाज कल्याण अधिकारी विकास वेद प्रकाश मिश्र समेत अन्य प्रशासनिक अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे। निकाह की प्रक्रिया पूर्ण कराने के लिए मौलाना रियाजुद्दीन मुफ्ती, अजहर शमसी मुफ्ती, मेराज अहमद मौजूद रहे। उन्होंने सभी का निकाह संपन्न कराने के बाद निकाहनामा भी तत्काल तैयार किया। लोक गायन प्रमोद कुमार यादव एवं उनकी संस्था दर्पण एंड पार्टी के कलाकारों ने बिरहा और पारंपरिक लोक गायन से सामूहिक विवाह समारोह के माहौल को उल्लास एवं उत्साह से भर दिया। घराती एवं बारातियों ने लोक गायन का आनंद उठाया। उधर वैवाहिक समारोह का ड्रोन फोटोग्राफी भी कराई गई, स्टिल और वीडियो फोटोग्राफी भी कराई गई। वर और वधु पक्ष के लोगों ने भी कार्यक्रम के फोटोग्राफ बनाए, सेल्फी पॉइंट पर सेल्फी भी लिया। प्रशासनिक अधिकारियों और घराती एवं बराती ने वर वधु संग सहभोज का आनंद उठाया। कार्यक्रम में 2000 से अधिक की संख्या में लोग पहुंचे थे। घराती और बराती की गाड़ियों की पार्किंग योगी राज बाबा गंभीर नाथ प्रेक्षा गृह एवं सांस्कृतिक केंद्र के पास की गई थी ताकि कार्यक्रम स्थल पर कोई असुविधा ना हो। काफी संख्या में महिला और पुरुष पुलिसकर्मी भी आयोजन स्थल पर तैनात रहे ताकि कोई दिक्कत ना हो। इस अवसर पर ग्रामीण विधायक विपिन सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत 400 जोड़ों का विवाह संपन्न हुआ है। मेरा भगवान से प्रार्थना है कि सभी जोड़ों का जीवन सुखमय व खुशहाल रहे। उन्होंने कहा इस योजना में सभी धर्मों के लोगों का शादी हो रहा है जो कि बहुत ही अच्छा कार्य है, जिसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद देता हूँ। नवविवाहित जोड़ों को कढ़ाई वाली साड़ी, ब्लाउज, डेली यूज साड़ी, चुनरी, कुर्ता पैजामा, दूल्हे की पगड़ी, माला, फेटा, चांदी के पायल 35 ग्राम, चांदी की बिछिया 6 ग्राम, हॉकिंस प्रेशर कुकर 3 लीटर, स्टील का लोटा, थाली, कटोरी, चम्मच स्टील 2 जोड़ी, गिलास स्टील के 2 जोड़ी, बक्सा, श्रृंगारदानी, सौंदर्य प्रसादन के साथ उपहार दिए गए। योजना के तहत प्रति लाभार्थी 51,000 रुपये खर्च किए गए। 35,000 लाभार्थी कन्या के खाते में सीधे भेजे गए। धनराशि भेजने की प्रक्रिया कार्यक्रम के साथ ही शुरू हो गई। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए ग्रामीण विधायक विपिन सिंह और सीडीओ इंद्रजीत सिंह ने कहा का स्वागत करते हुए, क्योंकि सामने से हट जाए ताकि पीछे से फोटो आ जाए। मुख्य विकास जी को बुके दे करके स्वागत करें कि माननीय जनप्रतिनिधिगण को प्रतिनिधिगण दिए है। कृपया इस कार्यक्रम के बाद से अब विकास हम सबके दीपे और साफा देकर के स्वागत करने का कष्ट है। जिला समाज कल्याण अधिकारी जिलाधिकारी महोदय को स्वागत करते हुए
चार अधिकारी आदरणीय श्री वशिष्ठ नारायण सिंह जी ने सम्मान किया। प्रमुख जी आपके सर पर साफा देख रहे होते हैं, जीवन में कई बार हेमंत सिंह जी और महिला कल्याण विभाग अधिकारी श्री सर्वजीत सिंह जी उपस्थित है, मैं उनका भी हार्दिक सम्मान करता हूँ। अच्छा गुरु जी, अक्सर लोग सवाल करते हैं कि 7 2 9 6 दिन यानी 9 एक ऐसा अंक है जो हमारे यहाँ के जीवन बेटा जन्म वाली हट जा, सोचा विचारी न करे, जितने जल्दी आप लोग स्थान को खाली करेंगे विवाह का कार्यक्रम उतने जल्दी ही संपन्न होगा, समय और जगह हम सबको पर्याप्त मिल जाएगी। नहीं है अनुसुना न करते हुए, आदेशों को शिरोधार करते हुए, इसे निवेदन मान करके, आदेश नहीं निवेदन मान करके कि भाई सामूहिक विचार ढंग से संपन्न नहीं हो पाता है, इसलिए आप लोग सामूहिक रूप से सहयोग करें। सबसे बड़ा आप लोगों का योगदान होगा, सामूहिक योगदान आप लोग करिए। मौसी मौसा भी होते हैं, मामी मामा भी होते हैं, भाई भाभी भी होते हैं, तो ऐसे में जो कन्यादान करता है वे पत्नी सहित बैठे, कन्या बैठे, वर बैठे, भाग्य है पूरा पंडाल खड़े होकर के आप लोग भर रखते हैं, इसलिए आप लोग श्रवण करें, मंगल पाठ का श्रवण करें। शुक्र बृहस्पति पंचईदान संस्मरित नित्यम वेद बाधाशय परिराश विदा देवानो जता सदम विधेयसन्नागम शस्त्रोर्ध्वसे महिदेवहितं यदा योः शदभेनो शरदो यन्ति देवा यदा न स्म पुत्रासो यदपितरो भवन्ति मानो मध्याशपुत्राः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजराधितिर्जातमदितिर्जवितवान्नादमण्डुण्डिं दण्डपाणिं जभैरवं वन्दे काशीम्। बोलते जाए जो कालवा जा रहा है उसको आप लोग बोलते दुराते जाइएगा, विष्णु हो विष्णु हो विष्णु हो पुरुषोत्तमस्य ईश्वराज्ञ प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मरोवः भूलोके जम्बूदीपे भारतवर्षे भरतखंडे आर्यावर्तैक भारत देशे उत्तर प्रदेश गोरक्षपुर मंडल आत्मनः सपत्निकस्य सपरिवारस्य आयुरारोग्य ऐश्वर्यादि प्रयः कन्नी मे अग्रतो भूया कन्नी मे देवी आशयोः तथा पुत्र पौत्र प्रवर्धिनी। हम सबके बीच में माननीय महापौर जी श्री सीताराम जायसवाल जी का आगमन हो चुका है, नव विवाहित का आगमन हो चुका था। एक जरूरी सूचना है, एक छोटा बच्चा कहीं से भटक गया था, ये छोटा बच्चा अपने माँ बाप से बिछड़ के यहाँ आ गया है, देख लें जिसके भी आप सरसो भीगयो नामताभ्यः स्वाहा, ओम ईश्वरो विश्वाच भातो गंधर्वसनैन्द्रं ब्रह्मा, ओम प्रौढमासस्य स्वाहा, ओम रथंतरं च स्वाहा, ओम प्रजापते स्वाहा। पर और वधु अपने स्थान पे खड़े हो जाए, अन्य लोग बाहर हो तो आनंद बहुत आएगा, अन्य लोग आगे चलेगी जैसे घड़ी की सुई चलती है। वर महोदय पीछे रहेंगे, दुपट्टे को पकड़े रहेंगे, मैं आगे रहेगी, बाकी फेरे में वर आगे रहेंगे। चले प्रथम फेरा प्रारंभ करें।
ओम अर्यवरम देवम कन्या अग्नियक्षत शानो अर्यवा देव। एक घड़ी की सुई ऐसे नहीं चल, सुई के क्रम के अनुसार चलिए। कन्या तीन फेरे आगे चलेगी, उसके बाद पर चार फेरे चलेंगे, होते हैं चार ही फेरे, लेकिन अब आज के परिवेश में सात फेरे, तो जिससे ये बाद में शिकायत न हो पंडित जी के चार ही कराए, लेकिन शास्त्र में तो चार ही है। चलिए ओम अर्यवरम देवम कन्या अग्निमच्छद शानो अर्मा देव प्रेतो मुंजिंदे राजान मुंदिरा हनुमास्तम देवधत्ते ज्ञातो मम स्वाहा। ओम इज्ञानामद्योः स्मृतिकणं तं मम तुभ्यं जस्मात् अग्निभ्यं व्योम स्वाहा। ओमजंतमापते स्वाहा। ओम इमं नायुपते लाजानामंदिना या मधुस्ते पतिरिंदा ज्ञातो मम स्वाहा। ओम इमा लाजानां पद्मो समिद्धिकणं मम तुभ्यं जस्मात् अग्निभ्यं स्वाहा। फिरे पूरे हो। देखिए पहले सूचना थी 255 लोगों के यहाँ सामूहिक विवाह होना है, दाम्पत्य जीवन में बंधेंगे, लेकिन हम बधाई देना चाहेंगे अपने यशस्वी मुख्यमंत्री जी को कि इनकी यह योजना ही बहुत सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़े। यहाँ पर 400 जोड़े जो है दाम्पत्य जीवन में बध रहे हैं और आपके चैनल के माध्यम से इनके दाम्पत्य जीवन सुखी रहे ऐसा प्रभु से कामना करेंगे। यहाँ पर भव्य पांडाल लगा हुआ है जिसमें हमारे महापौर, हमारे सभी विधायक, जिलाधिकारी, SSP, CDO सहित सब विभागों के अधिकारी आए हैं। तो शायद गरीबों के लिए ऐसा अवसर कम मिलता है या इतने लोग उनके पास पहुंच जाते। देखिए इतनी बढ़िया भोज की भी व्यवस्था है और जो भी हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख ईसाई, जिस धर्म के लोग हैं उस हिसाब से उनके पंडित मौलवी जो भी हैं उस मंत्रोच्चारण करा रहे हैं और फिर शादियाँ सम्पन्न हो रही हैं निश्चित है और इनका दाम्पत्य जीवन सुखी रहेगा, ये हमारी कामना है आपके चैनल के माध्यम से। आज मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत कुल 400 जोड़ों का विवाह कार्यक्रम अभी कराया जा रहा है। इसके साथ साथ जो भी घरेलू जो सामान है जो हमारे गवर्नमेंट ऑर्डर में है आदेश सरकार के आदेशानुसार वो सारा साथ में मुहैया करा दिया गया है। जो फंड ट्रांसफर है वो भी अभी जब शादी हो जाएगी उसके बाद करा दिया जाएगा। हाँ सहायता राशि 35,000 रुपए महिलाएं जो है उनके अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी। पूर्वोत्तर रेलवे के CPRO पंकज कुमार सिंह ने अग्निवीर योजना पर हो रहे प्रदर्शन पर बोलते हुए कहा कि सुबह बलिया में 6:30 बजे कुछ प्रदर्शनकारी रेलवे स्टेशन पर आ गए थे और वहां पर पथराव किया, वहां पर खड़ी एक खाली कोच में आग लगा दिया, जिसके बाद से पूर्वोत्तर रेलवे की 34 ट्रेनें निरस्त की गई। सभी लोकल पैसेंजर ट्रेनें हैं जो कि निरस्त हुई हैं और 19 ट्रेनों को नियंत्रित करके चलाया जा रहा है। अभी की जो स्थिति है वह अंडर कंट्रोल है। RPF, GRP, उत्तर प्रदेश पुलिस के लोग स्थिति पर लगातार निगाह बनाए हुए हैं। इसके अलावा अलग अलग स्टेशनों पर जो प्रदर्शनकारी आए थे उनको समझा बुझाकर शांत करवाया गया है। ट्रेनों को धीरे धीरे चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा सभी स्टेशनों पर GRP, RPF के जवान अलर्ट पर हैं, इंटेलिजेंस पर भी ध्यान दिया जा रहा है। कहीं से अगर सूचना मिल रही है कि इस स्टेशन पर प्रदर्शनकारी आ सकते हैं तो वहां सुरक्षा बढ़ा दिया जा रहा है, जिसके कारण स्थिति अंडर कंट्रोल है। उन्होंने प्रदर्शन कर रहे युवाओं से अपील करते हुए कहा कि रेलवे की संपत्ति आपकी अपनी संपत्ति है और जो ट्रेन से सफर करते हैं वह भी आपके अपने लोग हैं। अलग अलग स्थानों पर हजारों लोग फंसे हुए, आपको जो भी बात करनी है आप शांतिपूर्वक कह सकते हैं, ट्रेनों का संचालन सुचारू रूप से होने दें। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पूर्वोत्तर रेलवे के CPRO पंकज कुमार सिंह ने कहा, ये तो सोशल मीडिया हर जगह जैसे जगह ना तैसे फिर बोला गया कैसा अग्निपथ योजना को लेकर कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, कई जगह ट्रेनों को जलाया गया है, फिर क्या गया है कुछ ट्रेनें रद्द हुई हैं। आज सुबह बलिया में लगभग 6:30 बजे कुछ प्रदर्शनकारी वहां पर आ गए और उन्होंने कुछ पथराव किया, उसके बाद वॉशिंग पिट में खड़ी एक खाली कोच में आग लगा दिया, जिसके बाद से कुछ ट्रेनें निरस्त की गईं। जैसे अगर अभी तक की मैं बात करूं तो पूर्वोत्तर रेलवे में 34 ट्रेनें निरस्त की गई हैं, सभी लोकल पैसेंजर ट्रेनें हैं जो निरस्त हुई हैं और 2 ट्रेनों को अलग अलग स्टेशनों पर शॉर्ट टर्मिनेट किया गया है तथा 19 ट्रेनों को विभिन्न स्टेशनों पर नियंत्रित करके चलाया जा रहा है।
अभी जो स्थिति है वो अंडर कंट्रोल है, जो आरपीएफ और जीआरपी और साथ ही साथ जो राज्य सरकार की पुलिस है वो सभी लोग मिलकर स्थिति पर निगाह बनाए हुए हैं। और जहां भी जैसे और भी अलग अलग स्टेशनों पर कुछ प्रदर्शनकारी आए थे उनको जो है डिस्पर्स किया गया है और ट्रेनों को धीरे धीरे चलाया जा रहा है। सर सुरक्षा व्यवस्था क्या क्या व्यवस्था है और कहीं भी जैसे पहुँच जा रहा है? जो भी हम लोग पहले से भी अलर्ट थे और लगातार जो हमारे आरपीएफ के लोग हैं, जीआरपी के लोग हैं, ये सब रेड अलर्ट पे हैं, ये सभी स्टेशनों पर देख रहे हैं। अपना जो इंटेलिजेंस भी है उसका भी यूज किया जा रहा है, अगर कहीं से कोई इंटेलिजेंस मिल रहा है कि यहाँ पे प्रदर्शनकारी आ सकते हैं तो उसके लिए व्यवस्था की जा रही है। उसी के कारण जो है स्थिति अभी काफ़ी हद तक अंडर कंट्रोल है, अगर मैं पूर्वोत्तर रेलवे की बात करूँ तो। और लगातार जो है इस पे स्थिति पे जो हमारे लोग हैं आरपीएफ के, जीआरपी के, निगाह बनाए हुए हैं और ट्रेनों का संचालन अब धीरे धीरे शुरू किया जा रहा है। सर कुछ अपील करना चाहेंगे जो ऐसा कर रहे हैं प्रदर्शनकारी? सभी प्रदर्शनकारियों से अपील है कि ये रेलवे की संपत्ति आपकी अपनी संपत्ति है, जो ट्रेन में ट्रेवल करते हैं ये आपके अपने लोग हैं और अलग अलग स्थानों पर हजारों लोग फंसे हुए हैं। आपको जो भी बातें कहनी है वो शांतिपूर्वक तरीके से आप कह सकते हैं और ट्रेनों का संचालन सुचारू रूप से होने दें, यह अपील है मेरी सभी से। कैंट पुलिस ने धोखाधड़ी कर मरम्मत के लिए आई कार को दूसरे व्यक्ति को बेचने वाले एक जालसाज को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में कैंट थाना प्रभारी शशिभूषण राय ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर एक अभियुक्त को निकट ट्रांसपोर्ट नगर बेतिहाता के पास गैरेज से गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान अज्जू उर्फ दिलसाद पुत्र आसिफ रजा निवासी बड़े काजीपुर थाना कैंट जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है। कैंट थाना प्रभारी ने बताया कि 16 जून को आवेदक बलराम शर्मा पुत्र भागवत शर्मा निवासी हाटा थाना हाटा जिला कुशीनगर द्वारा अपनी गाड़ी फोक्स बैगन पोलो को 26 मार्च 2018 को अज्जू उर्फ दिलसाद को मरम्मत के लिए दिया था, जिसके बदले प्रार्थी ने 69,000 का भुगतान भी कर दिया था। अज्जू उर्फ दिलसाद द्वारा आवेदक की गाड़ी को धोखे से बेचे जाने एवं मरम्मत हेतु दिया गया 60,000 रुपए के गबन व जान से मारने की धमकी के संबंध में थाने में मुकदमा पंजीकृत करवाया, जिसके बाद अभियुक्त अज्जू उर्फ दिलसाद को गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में अभियुक्त ने बताया कि बलराम शर्मा पुत्र भागवत शर्मा निवासी हाटा थाना कुशीनगर मेरे गैरेज पर कार को बनवाने के लिए लाए थे, इसको मैं बलराम शर्मा को गुमराह करके धोखे से उनके कार को अपने परिचित राशिद अली पुत्र आबिद अली निवासी गाजी रोजा न्यू कॉलोनी वार्ड नंबर 63 गोरखपुर को अपना बताते हुए बेच दिया था। कैंट थाना प्रभारी ने बताया कि अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में कैंट थाना प्रभारी शशिभूषण राय, बेतिहाता चौकी प्रभारी विशाल कुमार शुक्ला, कांस्टेबल दीपक यादव, उपेंद्र यादव शामिल रहे। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पे जाने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। अग्निवीर योजना पर गोरखपुर जोन के अलग अलग स्थानों पर हो रहे प्रदर्शन पर एडीजी जोन अखिल कुमार ने कहा, मंडल के कुछ स्थानों पर युवाओं ने किया है प्रदर्शन, उनसे बात करके प्रदर्शन को करवाया गया है। शांत युवाओं से की गई है अपील कि शांति पूर्वक करें प्रदर्शन, नहीं तो आपके खिलाफ की जाएगी कड़ी कार्यवाही। शुक्रवार को चाक शोभन सुरक्षा के बीच जनपद में सकुशल अदा की गई जुमे की नमाज। पुलिस और प्रशासनिक अमले ने ली राहत की सांस। एडीजी जोन अखिल कुमार ने सभी लोगों से मिलजुल कर रहने की अपील। गोरक्ष नगरी में एक साथ 393 बेटियों की भरी गई मांग, 11 का हुआ निकाह। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत महंत दिग्विजयनाथ स्मृति पार्क में जनप्रतिनिधियों एवं प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में हुआ भव्य आयोजन। 404 बेटियों ने वैवाहिक जीवन में किया प्रवेश। सभी जनप्रतिनिधियों एवं प्रशासनिक अधिकारियों ने जोड़ों के उज्ज्वल भविष्य की कामना। अग्नि
अग्निवीर योजना पर हो रहे प्रदर्शन की वजह से 34 ट्रेनों को किया गया है निरस्त। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पूर्वोत्तर रेलवे के CPRO पंकज कुमार सिंह ने कहा, 19 ट्रेनों को चलाया जा रहा है नियंत्रित तरीके से, की अपील, छात्र रेलवे की संपत्ति को ना पहुंचाए नुकसान, यह आपकी है संपत्ति, ट्रेनों का सुचारू रूप से होने दे संचालन। मरम्मत के लिए आई कार को धोखाधड़ी करके दूसरे व्यक्ति को बेचने वाले एक जालसाज को कैंट पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। जिले के सभी बैंक कर्मचारियों के साथ CDO इंद्रजीत सिंह ने विकास भवन के सभागार में की बैठक, बैंकर्स को लोन की पत्रावलियों को जल्द से जल्द निस्तारण करने के दिए निर्देश। जनपद में जुमे की नमाज पर रहा सुरक्षा व्यवस्था का कड़ा इंतजाम, संवेदनशील स्थानों पर पुलिस और PSC की लगाई गई थी ड्यूटी, पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी रहे मुस्तैद। शाहपुर पुलिस ने एक शातिर मोटरसाइकिल चोर को किया गिरफ्तार, दो चोरी का मोटरसाइकिल किया बरामद, भेजा जेल। और जनपद में एक ही दिन मिले 6 नए कोरोना संक्रमित मरीज, CMO ने जनपद वासियों से की अपील, कहा मास्क, सैनिटाइजर, 2 गज की दूरी, सोशल डिस्टेंसिंग का करते रहे पालन, ताकि जनपद हो सके कोरोना मुक्त। पेगस निशान, गोरखपुर का एकमात्र निशान डस्टन का एक्सक्लूसिव शोरूम और वर्कशॉप। जी हाँ, सही सुना आपने, जिन गाड़ियों के खरीदने के लिए या सर्विसिंग के लिए आपको गोरखपुर से बाहर जाना पड़ता था, अब पेगस निशान लाए हैं ये सारी सुविधाएं एक ही छत के नीचे। पेगस निशान सेल्स, सर्विसेज एंड स्पेयर्स, भारत पेट्रोलियम के अपोजिट, नौसर गोरखपुर। हमारी तरफ से विशेष ऑफर, निशान डस्टन गाड़ी की खरीद पर फ्री इंश्योरेंस, कंडीशंस अप्लाई। रॉयल लोगों की रॉयल पसंद, रेड रॉयल चाय। मटको मंगलम टावर गोलघर के यहाँ कपड़े खरीदे भी, सिलवाए भी और ड्राईक्लीन भी करवाए, 2 की ड्राईक्लीन पर 1 कपड़ा मुफ्त। फ्री होम डिलीवरी और पिकअप के लिए कॉल करें 9044663300। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। CDO इंद्रजीत सिंह ने विकास भवन के सभागार में जिले के सभी बैंक कर्मचारियों के साथ बैठक की, जिसके संबंध में CDO इंद्रजीत सिंह ने बताया कि जिले के सभी बैंकों के कर्मचारियों के साथ बैठक की गई है, जिसमें प्रधानमंत्री रोजगार, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, एक जनपद एक उत्पाद की योजना पर चर्चा की गई है। इसके अलावा उद्योग विभाग से संबंधित स्कीम पर भी चर्चा की गई है। उन्होंने कहा कि लोन के लिए बची हुई फाइलें हैं, सभी बैंकों को निर्देश दिए गए हैं कि फाइलों का जल्द से जल्द निस्तारण कर लें।
इसके अलावा गांव की समूह की महिलाओं का खाता समय पर खोलने के लिए बैंकों को निर्देश दिया गया है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीडीओ इंद्रजीत सिंह ने कहा, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना और एक जनपद उत्पाद वित्त पोषण योजना। सर आपको थोड़ा सा अवगत कराना है कि पीएमजीडी में भौतिक लक्ष्य हम लोग का 84 है, उसके साथ ही फाइनेंशियल 264.86 है। हम लोग की प्रोग्रेस इस जो अभी तीसरा महीना है सर 26 कैबेज में 87.21 लाख सैंक्शन हो चुकी है और 11 कैबेज में 27.38 वितरण हो चुका है। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना में भौतिक टारगेट आपका 106 और फाइनेंशियल 205.64 है सर, इसमें भी 103 फाइल भेजी जा चुकी है जिसके अगेंस्ट में 20 पत्रावली अगेंस्ट में 51.26 लाख सेंक्शन हो चुका है। जो आपको लगता है कि प्रथम दृष्टया इस फोरम से डिस्कस हो चुका है कि 10 लाख तक कोई टोल रेटर सिक्योरिटी नहीं देगा, तो ऐसी पत्रावली जो आपको लगती है उसको सेंक्शन करके और पोर्टल पर उसको मार्क करना है। जो आपका अप्रेजल हो गया है, समीक्षा रिव्यू हो रही है, चाहे सर लोकल लेवल पर या शासन लेवल पर या मुख्यालय लेवल पर, वो पोर्टल की ही समीक्षा हो रही है, मार्क करना है। और पोर्टल पर मार्क होते ही आपकी अभी पता चला कि प्रोग्रेस है, तो प्रोग्रेस की भी समीक्षा हो रही है, तो आप लोग इसको पोर्टल पर जरूर मार्क करें। किसी बैंकर्स को किसी लेवल पर कोई समस्या हो तो बता सकते हैं या अपना कोई सुझाव को दे सकते हैं। उद्योग विभाग की जो समीक्षा है वो काफ़ी सीरियसली की जाती है। दो तीन चीज़ें दोनों को बोला जाओ, हर मंगलवार को चीफ सेक्रेटरी से डीसी देते हैं, तो चीफ सेक्रेटरी सर डिपार्टमेंट वाइज एजेंडा, तो ये जो ODOP का है या हमारे रेडीमेड गारमेंट्स का है, जो भी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का है, ये बहुत सीरियसली रिव्यू किया है। तो उसमें भी हमसे पूछा जाता है कि आपने बैंकर्स की मीटिंग करती इसका कार्य जारी करना और उसमें बैंकर्स का क्या रिस्पॉन्स था। तो जैसे अभी रवि जी ने बताया कि आपको पोर्टल पे जरूर करना है, तो वो जरूर आप कर दीजिए और एक्चुअल भी जो है दोनों चीज़ें एक मिला लीजिए। तो कहीं भी गोरखपुर का नाम आता है तो वो बहुत सीरियसली प्लान किया जाता है, पहला पॉइंट ये। दूसरा, आप लोग का अच्छा सहयोग मिलता है। लास्ट ईयर इस विभाग के स्पेसिफिकली उद्योग विभाग के आपने टारगेट बहुत पहले ही 100% से ज़्यादा कर दिए, तो वैसे ही सहयोग की अपेक्षा है। होता क्या है कि ट्रांसफर हो जाते हैं, नए लोग आ जाते हैं, तो वो उस चीज़ को थोड़ा समय लेने टाइम ले रहे हैं, तो जो पुराने लोग हैं वो चीज़ को समझते हैं क्योंकि कई चीज़ें दिख रहे हैं पुराने हैं, तो वो लोग और जो नए आए हैं वो तुरंत इसको भी ले रहे हैं। इसके साथ एक और सुझाव आया है कि जब आपकी कोई भी मीटिंग उसमें उद्योग बंधुओं को ढूंढना है, तो नेक्स्ट टाइम से अभी आप ये रखेंगे कि बैंकर्स नहीं रहे, बैंकर्स तो रहेंगे इस मीटिंग में साथ साथ ये। तीसरा, सुबह जो मैंने आपको बोला था समूह का हमारा बहुत बड़ा टारगेट आ गया है जो सरकार के 100 दिन के एजेंडे में भी है। हमारे यहाँ 900 समूह गठन हो चुके हैं, लेकिन ब्रांच लेवल पे उनके खाते ना खोलना बहुत ही क्रिटिकल है और इसको बड़ा हम लोग सीरियस ले रहे हैं मेरे द्वारा, डी एम सर द्वारा। अब हम लोग एक्शन बोल रहे हैं, तो सारे लोग अपने नीचे ब्रांच पे जाके एक नाइट की इंस्ट्रक्शन जारी कर दीजिए कि टॉप प्रायोरिटी पे समूह के खाते खुले। पिछले वित्तीय वर्ष में 2-3 फैक्ट्स आपको बताना चाहूँगा। जो फैक्ट है 750 माइक्रो इंटरप्राइजेस हम लोग खड़े कर पाए समूह के, आप लोगों के लोन्स हैं उसमें किसी का 30,000 है, किसी का 20,000 है और मेरे हमने वो अच्छा खासा रिटर्न भी किया है। तो आप देखेंगे जो छोटे लोन होते हैं वो काफ़ी रिलायबल होते हैं और जिस वर्क को हम देते हैं उनको सबसे ज़्यादा भी है और जितने भी माइक्रोप्राइजर लगे हैं वो सब अच्छे चल रहे हैं। हाँ, ये आज जो हमारे बैंकर्स हैं गोरखपुर में उन सबके साथ जो है कोऑर्डिनेशन मीटिंग की गई है। उद्योग विभाग द्वारा ये मीटिंग को ऑर्गेनाइज कराया गया है। इसमें जो उद्योग बंधु हमारे जो भी मुश्किलें फेस करते हैं उनको हम सीधा बैंकर से संवाद करते हुए हल कराते हैं। इसके साथ साथ उद्योग विभाग की जितनी भी स्कीम्स हैं जिसमें बैंकर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, लोनिंग की या और भी जो हमारी स्कीम्स हैं खादी विभाग की भी, उसके लिए हम लोग ये बैठक मंथली करते हैं। आज ये बैठक DM सर की अध्यक्षता में की गई। इसमें जो हमारे जो लोन के लिए सैंक्शन बची हुई फाइलें हैं वो भी रहेगी, समूह की जो हमारी फाइलें हैं जिसमें समूह गठन हो गया है लेकिन बैंकर्स ने नहीं खोली है NRLM के जीविका मिशन के अंतर्गत, उस पर भी चर्चा की गई।
जनपद में जुमे की नमाज पर सुरक्षा व्यवस्था का कड़ा इंतजाम रहा तथा एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने घंटाघर स्थित दुकानदारों से बात की और वहां पर लगे सीसीटीवी कैमरे को भी चेक किया, जिसके संबंध में एडीएम सिटी विनित कुमार सिंह ने बताया कि जुमे की नमाज को लेकर सभी फोर्स ड्यूटी लगाई गई है तथा संवेदनशील स्थानों पर विशेष सतर्कता के साथ पुलिस और मजिस्ट्रेट की ड्यूटी भी लगाई गई है। इसके अतिरिक्त शहर में फ्लैग मार्च भी किया गया और सभी मुस्लिम धर्मगुरुओं सिविल डिफेंस के लोगों के साथ वार्ता की गई। उन्होंने कहा कि किसी प्रकार की कोई घटना नहीं होगी तथा शांति का माहौल बना रहा। संवेदनशील स्थानों पर पुलिस और पीएसी की ड्यूटी लगाई गई थी कि सभी पर विशेष नजर रखी जाए। इस अवसर पर एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई, सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव, एसडीएम राजेश वर्मा, कोतवाली सीओ विमल कुमार सिंह, कोतवाली प्रभारी कल्याण सिंह सागर सहित पुलिस बल मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीएम सिटी विनित कुमार सिंह ने कहा, ड्यूटी लगा दी गई है सेक्टरवार। इसके अतिरिक्त हम लोगों ने शहर में सेंसिटिव स्थानों पर फ्लैग मार्च भी किया था कल ज्वाइंट रूप से पुलिस और प्रशासन का, और सभी धर्मगुरुओं, सभी धर्मों के मानिंद लोगों एवं जो समाज के सम्रांत लोग हैं उनके साथ वार्ता भी की जा चुकी है। सभी थानों पर पीस कमेटी की और विभिन्न समुदायों के साथ वार्ता की जा चुकी है और हम लोग पूरी तरह से इस बात को लेकर सुनिश्चित हैं कि किसी प्रकार की कोई घटना घटित नहीं होने पाएगी और शांति का माहौल बना रहेगा। जो संवेदनशील स्थान है जहाँ पे मिक्स पॉपुलेशन है जो कि हमेशा संवेदनशील माने जाते हैं, या पूर्व में जहाँ पे कोई किसी प्रकार की घटनाएं हुई हैं उनको विशेष रूप से फोकस किया गया है और उन पर हमारी विशेष नज़र है। शाहपुर पुलिस ने एक शातिर मोटरसाइकिल चोर को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में शाहपुर थाना प्रभारी रणधीर कुमार मिश्रा ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर एक अभियुक्त को धर्मशाला पुल के नीचे से गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान
आलमीन अंसारी पुत्र अब्दुल अंसारी निवासी रामकोला कुशमहा सूरजपट्टी थाना रामकोला जनपद कुशीनगर के रूप में हुई है, जिसके पास से चोरी की दो मोटरसाइकिल बरामद किया गया है। शाहपुर थाना प्रभारी ने बताया कि अभियुक्त के ऊपर थाने में मुकदमा पंजीकृत कर जेल भेज दिया गया है। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में शाहपुर थाना प्रभारी रणधीर कुमार मिश्रा, हड़हवा फाटक चौकी प्रभारी राजकुमारी शुक्ला, उपनिरीक्षक अमजद अली, कांस्टेबल मिथिलेश कमलेश यादव शामिल रहे। जनपद में बढ़ रहे कोरोना मरीज को देखते हुए सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने बताया कि जनपद में पिछले एक हफ्ते से कोरोना का प्रकोप शुरू हो गया है और जनपद में 6 मरीज मिले हैं। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारियों से वार्ता करके निर्देशित किया गया है कि जनपद के जितने भी कोविड से रिलेटिव हॉस्पिटल हैं उन सभी हॉस्पिटलों की साफ सफाई, बिजली पानी व्यवस्था किया जाए और हॉस्पिटल के अंदर जो भी उपकरण औषधियाँ हैं उसे मौजूद रखें। उन्होंने कहा कि 12 वर्ष से ऊपर जितने भी लोग हैं सभी को 100% टीकाकरण कराया जाए। आशाओं को 10-10 कोविड किट दे दिया गया है कि जब अपने क्षेत्र में जाए तो कोई ऐसा मरीज मिलता है तो उसे दवाई दें। उन्होंने जनपद वासियों से अपील करते हुए कहा कि सैनिटाइजर, मास्क, 2 गज की दूरी, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहें ताकि जनपद को कोरोना मुक्त बनाने में सफल हो पाए। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने कहा, देखिए निश्चित रूप से जनपद में कोविड का प्रभाव 3-4 दिनों से अत्यधिक हो गया है और जैसा कि कल है कि कल 6 केस निकल आए हैं, निश्चित रूप से एक चिंता का विषय है और इसी को दृष्टिगत रखते हुए हमने कल ही अपने सभी चिकित्सा अधिकारियों से वार्ता की और वार्ता के क्रम में हमने एक उनको निर्देशित किया कि जितने भी हमारे कोविड से रिलेटेड हॉस्पिटल हैं वहाँ की साफ़ सफाई दुरुस्त कर लें, वहाँ की बिजली पानी की व्यवस्था कर लें और जो भी आवश्यक उपकरण और औषधियाँ हैं उनको क्रियाशील कर लें, एक बार पुनः अपने सभी कर्मचारियों को ट्रेनिंग दे दें और पूरी तरह से सजग सतर्क रहें जिससे कि कहीं भी कोई इस तरह से आउटब्रेक होता है तो उस पर कर। इसी के साथ साथ उनको ये भी निर्देश दिया गया कि ILI और सारी के जो भी मरीज आ रहे हैं उनको कोविड किट का डिस्ट्रीब्यूशन शुरू कर दें, अपने चिकित्सालयों में कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना कर लें और चिकित्सालय आने वाले प्रत्येक मरीज और उनके तीमारदार का कोविड टेस्ट कराएं और कोविड प्रोटोकॉल जैसे है कोरोना मास्क है, सैनिटाइज़र है, सोशल डिस्टेंसिंग, इसका पालन करें, स्वयं भीड़ भाड़ की जाने वाली स्थानों से परहेज करें और जहां पर कोई इस तरह के नए लोग ज़्यादा आ रहे हैं वहाँ से परहेज रखें और साथ ही साथ जो है जहाँ पर फोकस सैंपलिंग करने के लिए भी कहा गया है कि जिन क्षेत्रों में जहाँ पर ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है उन स्थानों पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का टेस्ट कराएं और जो कोविड का पूरा हमारा है ट्रेस टेस्ट ट्रीट टीकाकरण के प्रोटोकॉल का पालन करें और पब्लिक एड्रेस सिस्टम से हर जगह क्रियाशील करके लोगों को सचेत करें, कोविड के बारे में जानकारी दें और इसी के साथ साथ जो हमारे मेले लगने वाले हैं वहाँ पर भी जो है कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराया जाए और साथ ही साथ जो है 12 वर्ष से जितने ऊपर के जितने भी लोग हैं सब लोगों का 100% टीकाकरण कराया जाए, जो पहली दूसरी या तीसरी खुराक लिए एलिजिबल हैं उनको टीकाकरण कराने के लिए किया जाए। आशाओं को 10-10 कोविड किट का डिस्ट्रीब्यूशन करा दिया गया है जिससे कि वो क्षेत्र में जब भ्रमण पर जाएँ तो अगर कोई भी मरीज ILI या सारी का दिखता है तो उसको दवाएं दे दें। इसी के साथ साथ ग्रामीण जनों से और सबको आपके चैनल के माध्यम से मैं अनुरोध करता हूं कि अगर उनके परिवार में कोई व्यक्ति बाहर दिल्ली, बंबई, कलकत्ता, मद्रास, पुणे, बंगलौर से अगर आता है तो उसे सर्वप्रथम घर के बाहर ही रखें और उसकी पहले कोविड टेस्ट की जांच करा लें, अगर वो कोविड निगेटिव होता है तभी उसे परिवार में सम्मिलित करें। मुझे उम्मीद है कि जैसे भी गोरखपुर की जनता ने हमें पहले दूसरी तीसरी लहर में सहयोग दिया और भविष्य में भी हमें उसका सहयोग प्राप्त होता रहेगा और गोरखपुर की जनता के आशीर्वाद से मैं पुनः गोरखपुर को कोविड मुक्त बनाने में सफल रहूंगा। गोरखपुर न्यूज़ में आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सहप्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। अग्निवीर योजना पर गोरखपुर जोन के अलग अलग स्थानों पर हो रहे प्रदर्शन पर ADG जोन अखिल कुमार ने कहा, मंडल के कुछ स्थानों पर युवाओं ने किया है प्रदर्शन, उनसे बात करके प्रदर्शन को करवाया गया है। शांत युवाओं से की गई है अपील की शांति पूर्वक करे प्रदर्शन, नहीं तो आपके खिलाफ की जाएगी कड़ी कार्यवाही।
शुक्रवार को चाक शोभन सुरक्षा के बीच जनपद में सकुशल अदा की गई जुमे की नमाज। पुलिस और प्रशासनिक अमले ने ली राहत की सांस। एडीजी जोन अखिल कुमार ने सभी लोगों से मिलजुल कर रहने की अपील। गोरक्ष नगरी में एक साथ 393 बेटियों की भरी गई मांग। 11 का हुआ निकाह। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत महंत दिग्विजयनाथ स्मृति पार्क में जनप्रतिनिधियों एवं प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में हुआ भव्य आयोजन। 404 बेटियों ने वैवाहिक जीवन में किया प्रवेश। सभी जनप्रतिनिधियों एवं प्रशासनिक अधिकारियों ने जोड़ों के उज्ज्वल भविष्य की कामना। अग्निवीर योजना पर हो रहे प्रदर्शन की वजह से 34 ट्रेनों को किया गया है निरस्त। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पूर्वोत्तर रेलवे के CPRO पंकज कुमार सिंह ने कहा, 19 ट्रेनों को चलाया जा रहा है नियंत्रित तरीके से। की अपील, छात्र रेलवे की संपत्ति को ना पहुंचाए नुकसान। यह आपकी है संपत्ति, ट्रेनों का सुचारू रूप से होने दे संचालन। मरम्मत के लिए आई कार को धोखाधड़ी करके दूसरे व्यक्ति को बेचने वाले एक जालसाज को कैंट पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। जिले के सभी बैंक कर्मचारियों के साथ CDO इंद्रजीत सिंह ने विकास भवन के सभागार में की बैठक। बैंकर्स को लोन की पत्रावलियों को जल्द से जल्द निस्तारण करने के दिए निर्देश। जनपद में जुमे की नमाज पर रहा सुरक्षा व्यवस्था का कड़ा इंतजाम। संवेदनशील स्थानों पर पुलिस और PSC की लगाई गई थी ड्यूटी। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी रहे मुस्तैद। शाहपुर पुलिस ने एक शातिर मोटरसाइकिल चोर को किया गिरफ्तार। दो चोरी का मोटरसाइकिल किया बरामद, भेजा जेल। और जनपद में एक ही दिन मिले 6 नए कोरोना संक्रमित मरीज। CMO ने जनपद वासियों से की अपील, कहा मास्क, सैनिटाइजर, 2 गज की दूरी, सोशल डिस्टेंसिंग का करते रहे पालन, ताकि जनपद हो सके कोरोना मुक्त। अब मुझे दे इजाजत, नमस्कार।